प्रीति के रसोई में आज हम बनाएंगे रागी का उपमा, जो कि है बहुत हेल्दी और टेस्टी तो है ही। तो फिर चलिए इस हेल्दी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। गैस जलाएंगे और इस पर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल, 2-3 चम्मच डालेंगे और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम 1 टीस्पून राई डालेंगे और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। थोड़ा सा चटकने देंगे और चटकने के बाद हम डालेंगे 2 पिंच हींग और 1 चम्मच हम डालेंगे चना दाल और ये कड़ी पत्ता 7-8 है डाल देंगे और थोड़ा सा चला लेंगे। उसके बाद हम 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे, मोटा मोटा कटा हुआ, 20 से हमने काट लिया था। और उसके बाद हम ये 10 से 12 काजू है, हमने इसको 20 से खोल लिया था, डाल देंगे और डाल के हल्का सा भून लेंगे। और भूनने के बाद हम डालेंगे इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज मीडियम साइज का, इसको भी हल्का सा भूनेंगे। ये देखिए भूनते हुए हमारे 1 मिनट हो गए। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 बारीक कटा हुआ गाजर और 1/2 शिमला मिर्च और 1 टमाटर डालेंगे और डाल के इन सबको थोड़ी देर पकाएंगे चलाते हुए, थोड़ा सा सब्जियां सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए हमारे पकते हुए 3 मिनट हो गए और ये सब्जी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप सूजी डाल देंगे, आप बारीक या मोटा कोई भी ले सकते हैं चलेगा। और इसको हम 2-3 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। और ये हमारा 3 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप रागी का आटा, हमने दोनों बराबर 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 लिया है, 1/4 कप सूजी और 1/4 कप रागी का आटा। इसको भी 2-3 मिनट के लिए चलाते हुए हम भून लेंगे ताकि आटा थोड़ा रोस्ट हो जाए बढ़िया से। और अब हम डालेंगे इसमें पानी, ये हमारा गर्म पानी है, हमने इसको गर्म कर लिया है और ये 3 कप पानी है। थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम चलाते रहेंगे और पानी डालते रहेंगे, नहीं तो एक साथ डालो तो गुठलियाँ भी पड़ सकती है क्योंकि गर्म है। तो थोड़ा थोड़ा डाल के हम चलाते रहेंगे और ये सारा पानी डाल देंगे और फिर हम इसको चलाएंगे। ये देखिए 1 मिनट हो गए चलाते हुए और अब हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे 1/2 कप के करीब और इसको धीमी आंच पे हम ढक के पका लेंगे 3-4 मिनट के लिए। धीमी आंच करेंगे, नहीं तो तेज करेंगे तो नीचे से जल सकता है। तो ये देखिए हमारे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब ये हमारा उपमा बन गया है। लास्ट में हम डालेंगे धनिया, बारीक कटा हुआ धनिया 2-3 चम्मच, इसको मिला देंगे बढ़िया से। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच घर का बना हुआ देसी शुद्ध घी, जो कि इसका स्वाद को बढ़ाएगा। अब ये हमारा उपमा तैयार है। अब हम इस घी को मिक्स कर देते हैं बढ़िया से। अब हम इसको ढक देंगे और गैस को बंद कर देंगे, 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रहने देंगे। और चलिए तब तक हम इसके साथ खाने के लिए एक चटनी तैयार करते हैं। ये हमने 1/2 कप रोस्ट किया हुआ मूंगफली लिया है, इसको भून के और छिलका उतार लिया है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3-4 कली लहसुन और थोड़ा सा अदरक और 4 हरी मिर्च डालेंगे 2-2 टुकड़ा किया हुआ और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 1/2 हम इसमें नींबू निचोड़ लेते हैं खटास के लिए ताकि चटनी अच्छा बने। अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए हमारी चटनी बनके तैयार हो गई। अब हम चलिए उपमा को सर्व कर लेंगे चटनी के साथ। तो लीजिए हमारा रागी का हेल्दी और टेस्टी उपमा बनके तैयार है और देखिए बहुत जल्दी भी बन जाता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। नॉर्मली मेरी बेटी उपमा नहीं खाती है लेकिन मैंने रागी का बना के दिया इस तरह से तो उसको बहुत पसंद आया, वो बहुत अच्छे से खाई। तो हमें आशा है कि आपको भी पसंद आएगा, तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।